दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, जो दोस्तों हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हैं। तो बिना देरी किए, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस व्हीकल। दोस्तों, वो कौन है जो नॉन एक्वस व्हीकल का एग्जाम्पल नहीं है? ऑयल्स, अल्कोहल्स, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2, प्रोपीलीन ग्लिसरॉल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम CO2, जो दोस्तों नॉन एक्वस व्हीकल का एग्जाम्पल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दे रखा ही, इंजेक्शन इज नॉन टॉक्सिक बट कॉजेज पेन व्हेन इंजेक्टेड बाई सबक्यूटेनियस और इंट्रा मस्कुलर रूट। तो फिक्सड ऑयल्स, डिजॉक्सिन, कोर्टिसोन, वाटर फॉर इंजेक्शन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिजॉक्सिन। दोस्तों, डिजॉक्सिन इंजेक्शन इज नॉन टॉक्सिक बट कॉजेज पेन व्हेन इंजेक्टेड बाय सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ब्लैंक दे रखा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट। दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल एजेंट का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, तो फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, थायो यूरिया, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटा बी सल्फाइट। दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल एजेंट का एग्जाम्पल होता है फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 ब्लैंक दे रखा है, यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेबलाइजर्स मे कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयंस एंड डिक्रीज द डिग्रेडेशन रिस्क। DTPA, EDTA, EGTA और EDDHA। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी EDTA यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेबलाइजर्स में कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयंस एंड डिक्रीज द डिग्रेडेशन रिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 ब्लैंक दे रखा है, एजेंट्स रेगुलेट द pH ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर स्टोरेज एंड प्रिवेंट देयर डिकम्पोजिशन। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग, वेटिंग और बफरिंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बफरिंग एजेंट्स रेगुलेट द pH ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर स्टोरेज एंड प्रिवेंट देयर डिकम्पोजिशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स। दोस्तों, सस्पेंडिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल क्या होता है? सोडियम CMC, मेथिल सेल्यूलोज, एकेसिया, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होती हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर पेरेंटल्स इज। तो लेसिथिन, जिलेटिन, पॉलीविनिल पायरोलिडोन और ट्विन 80। दोस्तों, इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या होता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेसिथिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, स्ट्राल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ब्लैंक दे रखा है, इंटेंडेड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल एंड पर्टिकुलेट कंटामिनेशन एट एवरी स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो एसेप्टिक एरिया, कंपाउंडिंग एरिया, क्वारंटीन एरिया और क्लीन रूम्स। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लीन रूम्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 ब्लैंक दे रखा है, इज नॉट द एसेंशियल प्रॉपर्टी फॉर सेलेक्टिंग कंटेनर्स फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो लीचिंग, एब्जॉर्प्शन, परमिएशन और एडजॉर्प्शन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एब्जॉर्प्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 इन ब्लैंक दे रखा है, एरिया द बैचेस आर स्टोर्ड फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम आइदर इन प्रोसेस बैचेस और अप्रूव्ड बैचेस इन अ लॉक्ड स्टोर वेयर ओनली द ऑथोराइज्ड पर्संस इज अलाउड टू एंटर। तो कंपाउंडिंग, एसेप्टिक, क्वारंटीन और क्लीनअप। दोस्तों, वो कौन सी एरिया होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वारंटीन एरिया। तो इन क्वारंटीन एरिया द बैचेस आर स्टोर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम आइदर इन प्रोसेस बैचेस और अप्रूव्ड बैचेस इन अ लॉक्ड स्टोर वेयर ओनली द ऑथोराइज्ड पर्सन इज अलाउड टू एंटर। दोस्तों, क्वारंटीन एरिया इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।